So HTML forms, who will give me the brief idea of forms? What are forms actually? Forms का purpose क्या है, हम क्यों form create करते हैं HTML में? Who will tell? Why do we create forms in HTML? What's the purpose of that? Yes, Kursimar. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Ma'am, its purpose is to collect the input from the user. So with the help of the form interaction, you can say it possible. Like you take the data from the user. User is allowed to enter the data and interact to the web services. जितना भी data form पे enter करते हैं, that data is sent to the web server. तो हमारा data इस तरह से internet process होता है, where you are taking the data or you are sending the data through the forms. So user is actually interacting with the web browser with the help of the forms, where the user will enter the data. User will enter the data in a form, and form kahan pe hota hai? Form is available on the web page. Okay, so you can interact with the form with the help of some controls. Form ke upar kya rehte hain hamare? Controls rehte hain, jinki help se user controls ke saath interact karte hain. For example, whether when the user wants to enter his or her name. तो कैसे नेम एंटर करेगा? थ्रू अ कंट्रोल कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स. सिमिलरली अगर उसको एड्रेस फिल करना है तो हमें क्या चाहिए? मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. तो हमारे पास दो तरह के टेक्स्ट बॉक्स होते हैं. वन इज फॉर सिंगल लाइन. तो अगर आपने सिंगल लाइन में फिल करना है, दैट मीन्स दैट इज अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर ओनली वन लाइन इज अलाउड टू एंटर एट अ टाइम. वो भी उसमें कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि हम कितने मैक्सिमम करेक्टर्स तक अपना डेटा को फिल कर सकते हैं. बट इफ यू वॉन्ट टू एंटर मल्टी लाइन डेटा, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, लेंथी डेटा है, तो आप टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट एरिया इज ऑल्सो टेक्स्ट फील्ड वेयर बट वेयर यू कैन एंटर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. मल्टी लाइन कैन बी एंटर्ड इन दैट. ओके, सो एनी फीडबैक और एनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, ये सब कुछ आपने इंटरनेट पे देखा हुआ है लाइव. सो दीज आर द फॉर्म्स वेयर दे आर एक्चुअली यूजिंग, वी आर क्रिएटिंग यूजिंग द HTML. सिंपली हम कुछ कंट्रोल्स के साथ अपना फॉर्म इनेबल करते हैं और फॉर्म के साथ यूजर इंटरेक्ट करके उन कंट्रोल्स के साथ डेटा अपने को एंटर करते हैं. मींस वी आर सेंडिंग द डेटा फॉर अ प्रोसेसिंग. डेटा हमने एंटर किया बट वो डेटा जाना कहाँ पे है, उस डेटा का होना क्या है? द डेटा विल गेट प्रोसेस्ड. चाहे तो वो डेटा स्टोर हो रहा है वेब सर्वर पे, या फिर वो प्रोसेस होके आगे, जैसे हम लॉग इन फॉर्म में अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है कि यूजर नेम और जो आपने पासवर्ड दिया वो वेब सर्वर पे जो डेटा स्टोर है, दैट विल गेट मैच. दे विल मैच कि ये वेदर ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है इस पर्टिकुलरली अकाउंट के लिए. अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है ओनली देन उसको उस अकाउंट का असेस मिलता है. तो दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म. ओके, सो वेरियस कंट्रोल्स सच एज टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, ईमेल, हिडन फाइल, हमने सो मेनी फील्ड्स वी हैव डन प्रैक्टिकली आल्सो इफ यू पीपल रिमेंबर. तो फॉर्म बनाने के लिए फर्स्टली द टैग यूज इज फॉर्म टैग एंड इट इज अ कंटेनर टैग. आप जैसे टेबल बनाते हैं तो टेबल स्टार्ट करते हैं, टेबल एंड करते हैं, सेम वे फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म वी हैव टू फर्स्टली स्टार्ट अ फॉर्म टैग एंड देन एंड द फॉर्म टैग. ओके, now an input tag is enclosed within the form tag and it is used to create various form controls. jitna bhi kaam hai form tag ke andar, ek do ko chhod ke, for example agar aapne button banana hai to button ke liye button tag alag se hai hamare paas. no doubt we have the alternative solution also, input type equal to submit, input type equal to reset. aap wo bhi use kar sakte ho, lekin agar aapko normally clickable button banana hai so we can use button tag also. बटन टाइप इक्वल टू बटन, देन उसका आप नेम दे देंगे, देन बटन टैग क्लोज, दैट इज अ कंटेनर टैग. सेम वे जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द फील्ड्स बनेंगे इन द फॉर्म टैग, दैट विल बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ द इनपुट टैग. तो आप इनपुट टैग से बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, सो वी विल डिसाइड द टाइप ऑफ द इनपुट हेयर कि हमने किस तरह का इनपुट देना है. वेदर यू वॉन्ट टू टेक द इनपुट इन द रेडियो बटन और वी वॉन्ट टू टेक द इनपुट इन द पासवर्ड कंट्रोल, वो इनपुट टाइप इक्वल वो चेंज रहेगी वैल्यू वहां पे. ठीक है, तो हमने टैग कौन सा यूज करना है? इनपुट. एंड इनपुट इज अ विच टाइप ऑफ टैग? इट इज अ कंटेनर और इट इज अ एम्प्टी. इनपुट किस तरह का टैग होता है?
Only Gursimar is answering. What about others? Hanji Gursimar? मैम एम्प्टी टैग यस तो हम इनपुट टैग को क्लोज नहीं करते हैं हम सीधा एक स्टेटमेंट लगाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और व्हाटएवर यू वांट टू सेट उसके बाद हम इनपुट टैग को क्लोज नहीं करते हैं सो सी द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म हियर फॉर्म नाउ देयर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म टैग आल्सो रादर थ्री एट्रीब्यूट्स आर देयर एक्शन यू कैन सेट कि जहां पे भी आपने अपने फॉर्म की प्रोसेसिंग को सेंड करना है method how you are transmitting your data by which method you are sending the data through the confidential method or through a normal method to normal method mein jitna bhi content hai that will be visible on the web browser url so url mein visible rahega third attribute hota hai form tag ka name you can set a name of a form ki aapke form ka kya name hai ye hum internally coding ke liye use karte hain at the back end so you can set the form name also And inside the form tag, all the controls will be here, and then you have to close the form tag. So see the attributes of form tag now. The first one is the action. I already told you, action means where you want to send your data. आप जब क्लिक करते हैं on submit after entering all the details in the form, your data will sent to a web server for the processing. Now it can be any kind of processing. I already told you, registration के लिए अलग होगा, login के लिए अलग होगा. चेकिंग ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ अलग से होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स यूज होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग के लिए तो इट स्पेसिफाइज द एक्शन टू बी टेकन आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ वेब पेज ऑन द सर्वर वेयर द यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन तो जब भी आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देना है यू हैव टू राइट अ पेज through which or where which you want to send your data so in this the form data is sent to a file actionpage.php php ki full form hoti hai hypertext preprocessor you can note down the full form hypertext preprocessor and php is a web development language it is a open source language jaise hamare paas kuch languages hoti hain for example VB that is a Microsoft product. आप जैसे ASP आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कई पे आप देखेंगे www. जो भी वेबसाइट का नेम है .asp that is active server page ASP for active server pages वो हमारे paid products में आता है like that is belongs to a Microsoft category. लेकिन जो PHP है that is the open source anybody can learn the PHP language. That is a very common language used in the companies for developing the web pages. जितने भी codings होती हैं इसमें होती हैं along with the Python nowadays. तो इसमें आपकी open source रहती है आपको कोई भी restrictions नहीं है आप जितनी मर्जी अपनी coding को reuse कर सकते हैं resell कर सकते हैं किसी के source code के अंदर modifications कर सकते हैं You know the meaning of open source, right? तो ये हमारी PHP एक language होती है So this file contains a server side script that handles the फॉर्म डेटा जो भी आपने डेटा सेंड किया होगा फॉर्म के थ्रू दैट विल गेट बी एबल टू प्रोसेस अगर आप यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट को ओमिट कर देते हैं यू आर नॉट राइटिंग एक्शन एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग सो एक्शन विल सेट टू अ करंट पेज जो भी आपका अपना पेज है जैसे इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं तो उसी के लिए प्रोसेसिंग बन जाएगी इट विल नॉट शिफ्ट टू सम अनदर पेज अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस डेटा किसी और पेज के साथ लिंक्ड हो मैच हो तो उसके लिए आपको क्या करना है यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्शन एट्रीब्यूट ओके द सेकंड एट्रीब्यूट इज अ मेथड सो मेथड स्पेसिफाइज हाउ यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा बाय विच मेथड यू आर सेंडिंग योर डेटा सो फॉर्म डेटा विल बी सेंट एज अ यूआरएल यूआरएल में डेटा मतलब आपका विजिबल रह रहा है तो दैट इज नॉट द कॉन्फिडेंशियल मेथड सो इन दैट केस दैट इज अ गेट अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेंसिटिव डेटा एंड यू वांट टू सिक्योरली ट्रांसमिट इट तो फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन वी विल यूज द पोस्ट मेथड मेथड की दो ही वैल्यूज होती हैं गेट एंड पोस्ट द डिफॉल्ट वैल्यू इज गेट मेथड की जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज अ गेट ओके सो यू कैन सी हियर द कोड फॉर्म एक्शन जहां पे उन्होंने एक्शन बताया जहां पे भी आपका डेटा प्रोसेस के लिए सेंड होगा द सेकेंड इज द मेथड आइदर इक्विवेलेंट टू गेट और यू कैन सेट इट एज पोस्ट नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट जो आपका मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो पोस्ट है उसमें डेटा आपका सिक्योर ट्रांसमिट होता है
The data is sent securely on the internet. कोई भी डेटा बीच में आपका इट इज नॉट बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द हैकर्स और द क्रैकर्स, क्योंकि जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना है यूजिंग अ सिफर की, कुछ कोडिंग के थ्रू जाना है. लेकिन गेट में एज इट इज जो भी आप डेटा अपने फील्ड्स में डालेंगे, फॉर एग्जांपल रेडियो बटन पे क्या क्लिक किया है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या फिल किया है, वो सारा डेटा आपका यूआरएल में विजिबल रहेगा. सो लुक एट द डिफरेंस नाउ. सो गेट अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल. अपेंड्स मतलब जैसे ऊपर www.actionpage.php ऊपर वेब पेज नेम आया जहां पे आप अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, और उसके साथ ही पीछे अपेंड हो जाएगा. अपेंड मतलब ज्वाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ऐड क्या होगा, जो जो नीचे आपके फॉर्म के ऊपर कंट्रोल्स हैं उनका जो डेटा आपने फिल किया होगा यूजर ने, वो डेटा भी सारा यूआरएल में ऐड होता जाएगा प्लस सिंबल के साथ. यूजर नेम एबीसी प्लस क्लास जो भी आपके फील्ड्स हैं. सो इट विल अपेंड द डेटा, इट विल ऐड द डेटा इन द यूआरएल अलोंग विद द वेब पेज नेम. So you cannot use this method for sending the sensitive data. For example, अगर आप अपनी कोई credential details डाल रहे हैं, login passwords डाल रहे हैं, तो हम उस केस में हम get method को हम use नहीं करेंगे, because the submitted form data is visible in the URL. Now the length in the get method, जो आपका URL का length है, that is up to 2048 characters. This is the limit for the data. Useful for submission the forms where user wants to bookmark. आप देखो हम कह रहे हैं कि यूआरएल में हमारा डेटा विजिबल रहता है, इट इज एडिंग ऑन टू द यूआरएल. तो जब बुकमार्क्स लगाते हैं तो बुकमार्क्स में हमारे पास पूरा पाथ रहता है कि हमने कौन से पेज के अंदर कहाँ पे जाके किस चीज को हमने सेव करना है. बहुत सारे पेजेस के अंदर सब पेजेस होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, तो जब हम बुकमार्क करते हैं तो पूरा का पूरा पाथ हमारा बुकमार्क में जाता है. आप यूआरएल के ऊपर स्टार बटन से बुकमार्क करते हैं ना, या करते हैं ऐड टू फेवरेट्स, तो वहां पे गेट मेथड हमारा यूजफुल रहेगा. क्योंकि अगर पोस्ट करोगे तो पोस्ट में आपको पूरा लिंक ही नहीं मिलेगा. पोस्ट में यू विल गेट ओनली द फर्स्ट हाइपरलिंक, यू विल नॉट गेट द एंटायर डेटा. क्योंकि सिक्योर है तो पूरा डेटा आपको दिखेगा ही नहीं, वहां पे आएगा ही नहीं. सो नो यूज ऑफ टेकिंग द बुकमार्क्स देयर. बुकमार्क हमें तभी चाहिए जब हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है, और आप इसी पेजेस को इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट अगेन एंड अगेन, अगर आपको कोई डेटा ठीक लग रहा है for later use, you can take a bookmark, you can set a bookmark for that page. Okay, so get is good for non-secure data like query strings in the Google. आप Google पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपने वहां पे भी देखा होगा आपका URL में पूरा डेटा ऐड होता है. आपने कुछ सर्च बटन पे जाके you have written something that you want to search, when you click on the search button, number of links appear. Google पे आते हैं ना कितने सारे links आते हैं जिनको हमें सर्च करना है. तो जो भी आपका रिक्वायर्ड आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा डेटा ठीक है, जाइए आपको लिंक अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हैं, सो हैव यू नोटिस एनीवन, जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं बच्चे, तो वो लिंक जब आप क्लिक करते हैं उसका डेटा सारा यूआरएल में ऊपर ऐड हो रहा होता है. कुछ कुछ कीवर्ड्स ही आ रहे होते हैं, वेब पेज का नेम स्लैश फिर उसके कीवर्ड्स. ठीक है, तो जब आप गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं और एनी बिंग सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन, तो देयर गेट मेथड विल बी यूज्ड. नाउ नेक्स्ट इज द पोस्ट मेथड फॉर सेंसिटिव डेटा, फॉर क्रेडेंशियल्स, फॉर लॉगिन डिटेल्स. सो इट विल अपेंड द डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट दैट द सबमिटेड डेटा विल नॉट शोन इन द URL. अब HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, there is a three-way communication, you can say a connection is built between the web browser and the web server. आप web browser को web client मान के चलो, हम web client और web browser term alternatively use करते हैं, that are basically the same. तो जब भी कोई user request करते हैं किसी पेज की, तो web browser web server के साथ अपना connection maintain करता है. web server क्या है, www where all the data is resided. Okay, and we are sending a request through the HTTP protocol. आपने देखा होगा जब भी आप वेबसाइट देखते हैं तो उसके आगे प्रोटोकॉल लगा होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो उस प्रोटोकॉल से जब आप किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द गूगल, यू आर सर्चिंग समथिंग, वी आर एक्चुअली मेकिंग अ कनेक्शन विद द वेब सर्वर. तो वेब ब्राउजर है जो वेब क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर एनी पेज और फॉर एनी इंफॉर्मेशन. But from where he is requesting a page? From a web server, क्योंकि data हमारा web server पे पड़ा है. So he is requesting the information from the web server. Now it's a web server choice whether to fulfill that request or not.
क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट आ जाता है इसमें. ओके, सो वेब सर्वर विल आइदर हैंडल और विल नॉट हैंडल. उसके पास वो कितनी सारी क्वेरीज आ रही है एट अ टाइम, बहुत सारे यूजर्स एक्टिव है इंटरनेट पे. तो जो भी डेटा आपके पास फेच होके आता है दैट इज द रिस्पॉन्स. आपके पास जो लिंक्स आते हैं जो आप सर्च करने पे देखते हैं दैट आर रिस्पॉन्सेज. पहले क्या होती है रिक्वेस्ट, देन रिक्वेस्ट के बाद कनेक्शन बनता है, थर्ड स्टेप में कनेक्शन के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है फ्रॉम द वेब सर्वर टू द वेब ब्राउजर एंड आफ्टर रिस्पॉन्स द कनेक्शन विल डिसकनेक्टेड, कनेक्शन हमारा लॉस्ट होता है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट. ये सारा प्रोसीजर हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंडर आता है. तो जैसे आपने देखा कि गेट में देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द यूआरएल दैट इज 2048 कैरेक्टर्स. पोस्ट में डेटा ही हमारा इंटरनली ऐड होके जाना है, इट विल बी नॉट विजिबल इन द यूआरएल. तो इंटरनली इनक्रिप्टेड होके जाएगा तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है. ओके, एंड फॉर्म सबमिशंस विद द पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा डेटा ही विजिबल नहीं है. एंड ऑलवेज यूज दिस मेथड व्हेन यू वांट टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स. क्रेडेंशियल्स आप सेंड कर रहे हो, लॉग इन डिटेल सेंड कर रहे हो, तो फिर उस केस में हम पोस्ट मेथड को कंसिडर करते हैं. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म इज टारगेट. टारगेट भी एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का. सो इट विल डिस्प्ले वेयर द रिस्पॉन्स इज बींग रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म. तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर पेरेंट, टॉप एंड फ्रेम नेम. फ्रेम नेम में अगर हम डिफरेंट एक टेबल के अंदर फ्रेम बनाते हैं तो हम उसका दे सकते हैं कि एक पूरे पेज के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर ही मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो, रेदर देन डिस्प्लेइंग ऑन द फुल पेज वी कैन यूज अ फ्रेम नेम. सिमिलरली देयर आर डिफरेंट, अगर आपको न्यू विंडोज या न्यू टैब पे भरना है तो हम ब्लैंक यूज कर लेते हैं. अगर सेम पेज के ऊपर कोई से एक फ्रेम है तो आपको उसी फ्रेम के अंदर चाहिए तो हम सेल्फ ले लेते हैं. पेरेंट मीन्स ऑन द एक्चुअल पेज, जो आपका एज इट इज पेज खुला है उसी सेम पेज के ऊपर यू कैन टेक द रिजल्ट, वहीं पे सबमिट होने के बाद आपका आउटपुट आएगा. ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू रहती है हमारी अंडरस्कोर सेल्फ, दैट मीन्स इट विल ओपन इन अ करंट विंडो. द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टारगेट इज अंडरस्कोर सेल्फ. सो दिस इज द वे यू स्पेसिफाई एक्शन. यू कैन गिव अ मेथड, टारगेट एंड नेम. Now under the form tag we use input tag for making the controls. Controls आपके input tag से बनते हैं. तो आपने कैसे लगाना है, form tag open किया, form tag के अंदर input type equal to जो भी आप type set करेंगे उस particular control वहां पे draw हो जाएगा and then you have to close the form tag. Clear? So this tag is used to create the different controls on the form. And it can have any value depending upon the type of control you want to include on the form. So see here, in this simply body ke baad humne form tag use kiya hua hai. So first name, this is actually a label. So aap ek label tag bhi aate hai humare paas form tag ke andar. So aap label tag use kar sakte hai for the headings. Like first name, last name, password, email. So usko kya karenge, label tag open, first name, label tag. Close, but that is optional, not a compulsion. This is just optional. अगर आपको नहीं लगाना है तो आप टेबल टैग में भी कोडिंग कर सकते हो. टेबल टैग में आपकी कोडिंग पूरी स्ट्रक्चरल रहती है. अदरवाइज फर्स्ट नेम में देखो 5 करेक्टर्स आर देयर फॉर द फर्स्ट, लेकिन लास्ट के 4 करेक्टर्स हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है. सिमिट्रिकल आपके कंट्रोल्स इनेबल नहीं होते हैं. सो फॉर डिस्प्लेइंग फॉर अपियरिंग द कंट्रोल्स प्रॉपर इन प्रॉपर ऑर्डर यू कैन यूज द फॉर्म टैग, टेबल टैग. तो टेबल टैग के अंदर फर्स्ट रो में आप पहली डीडी बनाओ फर्स्ट नेम की और सेकंड सेल बनाओ इनपुट टाइप का. सिमिलरली सेकंड रो के अंदर लास्ट नेम फर्स्ट सेल में आ जाएगा और इनपुट टाइप सेकंड डीडी में आ जाएगा. क्लियर? तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट. नाउ नेम हेयर इज यूज्ड फॉर द कोडिंग. अगेन एट द बैक एंड पर्पस हम नेम टैग, नेम एट्रीब्यूट तब यूज करते हैं. तो जब पीएचपी की आप कोडिंग करते हैं बैकएंड पे, फ्रंट एंड पे आपने एचटीएमएल के साथ डिजाइनिंग करी है और बैकएंड पे आप पीएचपी या किसी और लैंग्वेज के साथ कोडिंग कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली लिंकिंग डिजाइनिंग विद द डेवलपमेंट. तो जब डिजाइनिंग विद द डेवलपमेंट आप इसको लिंक कर रहे हैं सो दैट मीन्स वहां पे हमें नेम एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम किस फ्रंट एंड के ऊपर किस कंट्रोल को रेफर कर रहे हैं. तो वो बैकएंड पे तभी पता चलेगा जब आप नेम की वैल्यू एज इट इज वहां से पिक करेंगे. अब जैसे इस केस में फर्स्ट है तो मैं बैकएंड पे जब कोडिंग करूंगी आई विल यूज अ फर्स्ट वर्ड देयर,
तो जब मैं फर्स्ट वर्ड को रेफर कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं फर्स्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स को रेफर कर रही हूँ, ठीक है। इस वजह से कोडिंग चलती है हमारी बैकएंड पे। तो आपके सिलेबस में कोडिंग्स फॉर द बैकएंड्स आर नॉट देयर, यू जस्ट हैव टू डिजाइन इट। तो डिजाइनिंग में हमारा फ्रंट एंड ही रहता है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम, जो भी आप सेट करना चाहें। सो दिस वे इट विल अपियर इन द ब्राउजर। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा स्लाइटली एक डिफरेंस आ रहा है। वो तो ही आ रहा है क्योंकि फर्स्ट के 5 करेक्टर्स हैं और लास्ट के 4 करेक्टर्स हैं। तो अगर इस चीज को आपको सही रखना है तो हमें कौन सा टेबल के अकॉर्डिंगली इसको सेट करना, राइट। सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट टैग, फर्स्ट इज टाइप, आपने किस तरह का कंट्रोल बनाना है, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द टाइप एट्रीब्यूट। जो भी वैल्यू आप रखोगे, टाइप इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इक्वल टू ईमेल, टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, उसके अकॉर्डिंगली वही वाला कंट्रोल वहां पे अपियर हुआ। नेम यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंट्रोल, एंड ईच इनपुटेड कंट्रोल मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट, बट इफ इट विल बी ओमिटेड दैट मीन्स द कंटेंट द कंट्रोल विल, जो आपका डेटा आपने एंटर किया दैट विल नॉट बी सेंट। तो आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना है, लगाना ही है। वैल्यू, अगर आप पहले से कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, जैसे इस केस में था इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू भी दे देती तो वैल्यू के अंदर अगर मैं डाल देती साहिल, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स में पहले से ही साहिल प्री फिल्ड होके आना था। दैट इज फॉर द प्री फिलिंग डेटा, जो ऑटोमेटिकली पहले से आता है। नो डाउट लेटर वी कैन यूज ऑन द रन टाइम ऑल्सो, वी कैन जस्ट प्लेस द कर्सर, इरेज इट एंड वी कैन टाइप अ न्यू कंटेंट। सो आइदर यू कैन गिव टू एट द रन टाइम, अगर आपको डिजाइन टाइम पे भी देना है, जैसे डिजाइन टाइम पे अगर कहीं आपने देखा होगा वेबसाइट पे आ रहा होता है एंटर योर नेम, तो वैल्यू में सेट कर दो एंटर योर नेम, देन यूजर विल एंटर अ नेम हियर। एंटर पासवर्ड ऑफ मिनिमम इतने करेक्टर्स, तो ये चीजें हम वैल्यू के अंदर सेट कर सकते हैं, एंड वैल्यू इज द एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। नेक्स्ट टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, सो दिस वे यू विल सेट द वैल्यू। जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है इनसाइड अ फॉर्म टैग। और टेक्स्ट कंट्रोल किसके लिए यूज होता है, व्हेन इट विल, व्हेन वी हैव टू एंटर ओनली वन लाइन, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। वन लाइन के लिए हमारे पास कौन सा रहता है, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट कंट्रोल। और अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो मल्टी लाइन के लिए वी आर हैविंग अ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मल्टी लाइन के लिए कौन सा होता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। तो नेक्स्ट इज द लेबल, यहाँ पे देखो लेबल फॉर गिविंग द दिस डिस्प्लेइंग द लेबल्स, डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन द फॉर्म, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, तो यहाँ पे आपने लेबल टैग लेना है। उसके लिए लेबल का एट्रीब्यूट होता है फॉर। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वट एवर द कंटेंट और वट एवर द डेटा यू विल सेट इन साइड द फोर एट्रीब्यूट ऑफ लेबल टैग, द सेम वैल्यू इज टू बी यूज इन साइड द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है, लेबल के अंदर फोर एट्रीब्यूट होता है। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तभी हमारा मैचिंग बनेगा। अब यहाँ पे कितने सारे नेम के आपने ले लिए, लेकिन वो तभी मैच करेगा जिसका फॉर जिसकी आईडी के साथ मैच कर रहा हो, तो दैट शुड बी सेम। सो दिस एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ लेबल, आप लेबल किसी का भी बना सकते हैं, एंड इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट दैट इज फॉर। ये मैंने आपको पहले बता दिया, द वैल्यू शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, ओके। एंड द आईडी शुड बी यूनिक टू द कंट्रोल। ये नहीं है कि अगर आपके पास 7 कंट्रोल्स हैं फॉर्म के ऊपर और 7 के 7 का आपने फॉर और आईडी सेम सेट किया, नो। हर लेबल का फॉर और आईडी डिफरेंट रहेगा, बट जिसका लेबल सेट कर रहे हैं उसके इनपुट का आईडी लेबल फॉर के साथ मैच करेगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट बच्चे, एनी डाउट यहां तक? ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर फॉर द फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इज द चेकबॉक्स कंट्रोल। सो चेकबॉक्स अलाउज यू टू सिलेक्ट मल्टीपल कंट्रोल्स एट अ टाइम। जब आपको मोर देन वन कंट्रोल एक ही यू कैन सिलेक्ट यूजिंग अ चेकबॉक्स, सो मोर देन वन चॉइस यू कैन बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉबीज दे रहे हैं, आपको सब्जेक्ट्स बताने की, कॉमर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट तो नहीं होगा, वी विल बी हैविंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो आप उस केस में फिर चेकबॉक्स यूज करेंगे वेयर यू वॉन्ट टू हैव अ मल्टीपल कंडीशंस।
हॉबीज कैन बी देयर. सिमिलरली अगर आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो तो आप उसका एक्सपेंडिचर बताना चाहते हैं कि अगर ये है डिपार्टमेंट उसका कौन कौन सा क्या क्या एक्सपेंडिचर, तो उसमें हम चेक बॉक्सेस यूज कर सकते हैं बिकॉज द मल्टीपल एंट्रीज आर एक्सेप्टेड. और आपको लिखना क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स. अब हमारे पास एक और कंट्रोल होता है, दैट इज अ रेडियो बटन. So radio button allows only one option to be selected at a time, whereas checkbox allows multiple options to be selected at a time. This is the difference between the checkbox and the radio. जो checkboxes हैं that will be enabled in a square form. Square की form में आते हैं, ठीक है, square checkboxes वो आपको tick करना होता है. जो आपके radio buttons हैं that are the circular buttons. Which will only select only one option at a time. अगर आप दूसरी select करने की कोशिश भी करेंगे it will not select it. वो पिछले वाले को disable कर देगा और new वाले को enable कर देगा. So that is the radio button. अब इसकी coding में क्या difference रहेगा, जब आप radio button बना रहे हैं तो there the name value should be same. जितने भी radio button बनाए हैं तो उसका name का content same रहेगा, तभी वो एक value एक time पे select करने का. अगर आप चेकबॉक्स बना रहे हैं तो इसमें हर कंट्रोल का जितने भी आपने चेकबॉक्सेस बनाए हैं उसकी सब्जेक्ट की वैल्यू चेंज रहेगी. अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट वन, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट टू, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट थ्री, तो आप इसमें वैल्यूज डाल रहे हो मैथ साइंस एंड कंप्यूटर. तो लेकिन हमारी वैल्यूज चेंज तभी रह रही है, वो तभी हमें डिफरेंट वैल्यूज अलाउ कर रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सबके नेम को डिफरेंट रखा हुआ है. लेकिन रेडियो बटन में इट विल बी ओनली सेम. रेडियो बटन में हम सेम ही रखेंगे तभी हमें एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने देगा. यहाँ पे देखो ये चेक बॉक्सेस हैं, दिस वे यू हैव टू टिक मार्क. तो मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड, रेडियो बटन में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट रहेगी. अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कोडिंग में, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट वन, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट टू और कंप्यूटर के लिए सब्जेक्ट थ्री. यहाँ पे मैथ साइंस कंप्यूटर के लिए फॉर ऑल द नेम इक्वल टू सब्जेक्ट वन, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट वन, नेम इक्वल टू सब्जेक्ट वन, आपको सेम रखना है. ओके, इट शुड बी सेम रहेगा तभी हमारे पास वो रेडियो बटन की तरह काम करेगा. एंड फॉर चेक बॉक्सेस वी हैव टू टेक सेपरेट नेम वैल्यूज. द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, दोनों में डिफरेंस क्लियर है. रेस्ट ऑफ दिस थिंग इज सेम. वहां पे आपने लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, यहाँ पे हम देंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो. रेडियो बटन नहीं आएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, देन नेम, देन वैल्यू. उसके बाद आपने अगर आप टेबल में काम कर रहे हैं तो आपको फिर टीडी टैग क्लोज करना है. अगर आप टेबल में काम नहीं कर रहे हो तो सिंपली फॉर्म टैग के बाद आपने लगा देना इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और इनपुट टाइप चेकबॉक्स. क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है बच्चे? ओके, वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स इन द नेक्स्ट, एज द टाइम इज अप ऑलरेडी द 8th क्लास इज जॉइनिंग मी. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. आई थिंक टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास, सो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स टुमारो. ओके.